नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ है टीचिंग में। दोस्तों आज शाम 7 बजे से आपको डेली एक जोन वाइज रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ मिलेगी, यानी कि डेली शाम के 7 बजे आपको लाइफ है टीचिंग चैनल पर एक वीडियो मिलेगी जो कि जोन वाइज कट ऑफ के बारे में होगी। तो आज हम कट ऑफ के बारे में बात करने हैं, तो वो है गुवाहाटी की कट ऑफ, यानी आज जिस जोन की बात कर रहे हैं वो जोन है गुवाहाटी कट ऑफ। ठीक है, तो ग्रुप डी की डेली आपको एक जोन वाइज कट ऑफ मिलेगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको अपने जोन की कट ऑफ मिल जाए। तो अगर आपकी गुवाहाटी कट ऑफ है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने गुवाहाटी से फॉर्म भरा है, और जिन्होंने नहीं भरा है उनको भी शेयर कर देना क्या कि उनको पता चल जाए कि हाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो एक तरह का मोटा मोटा हिसाब हो जाएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी बात कर लेते हैं कि गुवाहाटी में कितने फॉर्म भरे गए और कितने वैकेंसीज है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि गुवाहाटी में वैकेंसी कितनी थी। तो वैकेंसी टोटल थी इसमें 2577 सीट्स थी। ठीक है, सीट कह सकते हैं, वैकेंसी कह सकते हैं 2577 सीट। और दोस्तों इसमें सीट तो 2577 थी, लेकिन फॉर्म जो है वो लोगों ने सोचा था बहुत कम फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन फॉर्म जो भरे गए वो भरे गए 10 लाख फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, हमने सही सुना, पूरे 10 लाख फॉर्म भरे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने बताया 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो लोग सोच रहे होंगे इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, लेकिन इतनी कम भी नहीं जाएगी जितनी पिछली बार गई थी। पिछली बार कट ऑफ काफ़ी ही कम गई थी दोस्तों, अभी जनरल वालों की भी। तो लोगों ने इसीलिए गुवाहाटी से भर दिया फॉर्म, जिन्होंने सोचा कि यार कि अपनी भी कट ऑफ यहाँ पे भी कट ऑफ कम जाएगी, तो इसलिए लोगों ने यहीं फॉर्म भर दिया, जिससे फॉर्म इतने ज़्यादा भरे गए कि लोगों ने सोचा भी नहीं था 10 लाख फॉर्म। दोस्तों सोच सकते हैं कि एक पोस्ट पे कितने ज़्यादा फॉर्म थे। ठीक है, तो इस हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी आई जा सकती है, लेकिन इतनी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि जोन वाइज जो वैकेंसी जो डिटेल थी इसमें, यानी कि गुवाहाटी की जो कट ऑफ जनरल की जो इसमें सीट थी वो अलग थी, एससी की अलग थी, एसटी की अलग, यानी जनरल की जो सीट थी वो 1304 सीट थी, और एससी की जो 384 थी, एसटी की 193 और ओबीसी की 696 पोस्ट थी। यानी कि टोटल जो पोस्ट थी उसमें 4000 पोस्ट थी, उसमें से सबको कैटेगरी वाइज सबको दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका जिसमें बन रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि मैं इस कैटेगरी का हूँ और इतने नंबर बन रहे हैं, तो मैं इस हिसाब से आपको बताऊंगा आपको। लेकिन बाकी भी कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप एक बार बता देना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से पता चलेगा, जिसे मैं एक एनालिसिस वीडियो को बना दूंगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, पूरी कट ऑफ। देखिए पिछले साल जनवरी में जो गेट गए जो जनरल कट ऑफ गई थी वो 45 गई थी, यानी पिछले साल जो गुवाहाटी की कट ऑफ 2013 में वो गई थी 45, वो भी जनरल की, और एससी एसटी की तो सोच लीजिए कितनी कम जानी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं पेपर पिछले बहुत ईजी आया था, मैंने भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा पेपर काफ़ी ईजी आया था, लेकिन इस बार का पेपर इतना हार्ड था कि लोग कन्फ्यूज हो गए, मतलब इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए लोगों ने कि सोचा यार मैं ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा हूँ कि आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ, तो लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो। लेकिन हाँ पेपर बहुत ही हार्ड था, जिस कारण इस बार कट ऑफ लेकिन ज़्यादा फॉर्म थे, लेकिन इस बार कट ऑफ कम ही जाएगी दोस्तों। आप लोगों ने सही सुना, कट ऑफ कम ही जानी गुवाहाटी में, चाहे जितने भी हार्ड आए। देखिए दोस्तों अब इसके बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में, कुछ ज़्यादा वैकेंसी और 10 लाख थी, 10 लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन कट ऑफ जो है इसमें कम ही जानी है, पेपर था हार्ड इसलिए इसका कारण है कट ऑफ कम जाने का। जनरल की बात कर ली जाए तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 53 के आसपास रहने वाली है, 53 या इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए। ओबीसी की 51 जा रही है, एससी की 43। ठीक है, मतलब जनरल और ओबीसी के बीच में सिर्फ 2-3 नंबर का ही फर्क रह जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं रहता, और एससी की 43 और एसटी की 39। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आप एक बार फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्या पता आपका नंबर आ ही जाए, तो इसलिए इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग एक फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना फिजिकल में क्या काम होगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं फिजिकल की वीडियो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर डेली जोन वाइज शाम के 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगी जोन वाइज कट ऑफ के बारे में। ठीक है,